फ्रेंड्स, तो ये हमारे चैप्टर नंबर 5th जो हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी हमारा एपी, उसकी ये 4th वीडियो है। तो चलो हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एम टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू एन टाइम्स द nth टर्म एंड एम प्लस एन शो दैट इट्स एम प्लस nth टर्म इज ज़ीरो। तो मुझे पता है आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा सवाल लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है, बहुत इजी सवाल है। अगर आप समझ लेंगे तो आप कहेंगे ये तो बहुत इजी सच में। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारा जो फॉर्मूला था वो कुछ ऐसे था, टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो अब आपको कौन कौन से हमारे एन नेट वो दे रखे हैं, एन एंड एम, एन नेट टर्म दे रखी है हमें हमारी। तो एक साइड तो यही आ जाएगी क्योंकि ये हमें एन भी यहाँ पे दे रखा है, पर ये रियल फॉर्मूला है हमारा। एंड एक हमारी हो जाएगी टी एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, क्योंकि हमारा एम भी है यहाँ पे। सो ये तो हमारी पूरी हमारी फॉर्मूला बन गया है। और अब यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला बनेगा, जो बनेगा हमारा टी एम प्लस एन इज इक्वल टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारे एक और फॉर्मूला बन जाएगा जो हमारे इन टर्म्स का सम है। तो ये बन गया हमारे पास। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें बोल रखा है कि जो हमारी n टाइम्स द mth टर्म है एपी की, यानी हमारी ये टी एम और इसके आगे एम और लगा देंगे, वो इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। तो यानी वो दोनों इक्वल है। तो हमारा फॉर्मूला एक और बन जाएगा जो कि क्या बनेगा, इधर देखिए टी एम एम यहाँ पे आ गया हमारे आ जाएगा इज इक्वल टू एन एंड टी एन। तो आपको ये फॉर्मूला नया बनेगा, मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, पर फिर भी देखिए मैं दोबारा बता देती हूँ। एम टाइम्स तो हमारे कितने टाइम्स है, वो है एम। एन एम एथ टर्म तो हमारी हमें पता है कि कौन सी टर्म है, एम एथ दे रखी है, तो टी हमारा एम आएगा। तो यहाँ पर भी सेम है, इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वल टू है। n टाइम्स यानी n इंटू में आएगा, टाइम्स द n टर्म यानी हमारा n हमें नंबर दे रखा है। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। अब हमारा यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हम यानी हमारा जो आंसर है, ये हमने पहले अपनी वेरिफिकेशन के लिए और ताकि हमें आसानी हो इसलिए हमने लिख लिया। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट ठीक है, वरना आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट देखते हैं। अब हमारा टी एम क्या है, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। तो हम इसको यहीं राइट कर दें, आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। इधर देखिए अब एम इंटू ए प्लस एम माइनस वन, ये छोटा ब्रैकेट इंटू डी। तो अब हमें इस इक्वल टू में क्या दे रखा है, एन हमारा यहीं पे आएगा। अब यहाँ पे हमारी टी एन क्या दे रखा है, ये देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम इसको यहीं पुट कर देंगे, ए प्लस एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें अभी ये हमारा पूरा मिल गया है, अब हमें इसको सोल्व करना है। तो सारा झोलमाल यहीं से शुरू होगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए अब इसको मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा एम ए प्लस एम एम माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे भी सेम एन ए प्लस एन एंड एन माइनस वन इंटू डी, ये देखिए। तो अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है इसे। अब यहाँ पर अगर आप इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ देखिए एम ए प्लस एम स्क्वायर माइनस एम, एंड अब आप सोचेंगे डी कहाँ गया, डी तो मल्टीप्लाई हो गया ना भाई। तो अब इसी के साथ साथ हमारा डी कॉमन हो जाएगा क्योंकि हम इन जो वैल्यूज़ को इधर ला रहे हैं,
इधर लाएंगे तो हमारा डी कॉमन में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इधर आएंगी ये, तो इधर आ जाएगा हमारा माइनस एन ए माइनस एन ब्रैकेट। अगर आप इसको पूरे यहीं पे सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा। इधर देखिए एन स्क्वायर एन माइनस था हमारा प्लस एन एंड डी हमारा इस पूरे में, इसको बाहर निकाल देते हैं बस, आप इसको देख लीजिएगा। इधर देखिए एम इधर लिख देते हैं हम एन ए ताकि हमारी ब्रैकेट अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर हमारा इसका कॉमन हो जाएगा हमारा डी, तो इस इक्वल टू में ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज तो यहीं पे आ गई है। तो अब हम इन दोनों में से ए कॉमन ले लेते हैं, तो इधर हो जाएगा आप एम पहले लिखना चाहे तो एम वरना एन लिख लीजिए एन माइनस एन, ये वाला ब्रैकेट सेम एज इट इज एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन डी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो आप अगर इसको एक साथ लिख के देखिए ए, ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, वैसे अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम प्लस एन एंड डी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इधर से इस ब्रैकेट हमारे खोल देंगे हम इसको और ये आ जाएगा हमारे पास एम प्लस एन एंड एम माइनस एन। तो अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस हम इस ब्रैकेट को जब लेंगे तो इधर आ जाएगा एम माइनस एन और पूरा ब्रैकेट क्लोज एंड डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सॉल्यूशन हमारा धीरे धीरे आ रहा है। अब आप देखिए इस पूरी इसमें m माइनस एन कॉमन है, तो आप इधर भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो तो m माइनस एन आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा m माइनस एन कॉमन है तो हम इधर m माइनस एन कॉमन ले लेते हैं और इस ब्रैकेट में लिख देते हैं a प्लस m प्लस एन माइनस वन, तो ये हम छोटे ब्रैकेट में लिख लेंगे एंड हमारा जो डी होगा वो अब अंदर आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अगर आप नोटिस करें जो हमारा क्वेश्चन था शो दैट इट्स mnth टर्म m प्लस nth टर्म इज ज़ीरो, तो अगर आपको यहाँ दिख रहा हो तो ये हमारा m प्लस nth टर्म है तो ये ज़ीरो है, तो हम इसको सिंपली यहाँ पर राइट कर सकते हैं ए प्लस सॉरी एम प्लस एन माइनस वन इन टू डी, यानी हमारी एम ए टर्म एम प्लस एन ए टर्म इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको अगर ये दिक्कत लग रही हो तो यहाँ देखिए टी एम प्लस एन ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इन टू डी जो हमारा था। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाता है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा नेक्स्ट फार्मूला जो आप अगर आपको याद हो तो लास्ट हमारा था n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, क्योंकि मुझे इतना विश्वास तो नहीं है कि तुम याद रख पाओगे क्योंकि जान चुकी हूँ मैं, बहुत लोग फेल हो जाते हैं एंड भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, पर आप अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए हमारा लास्ट फॉर्मूला था, तो यहाँ पर था टर्म एंड ए टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। यहाँ देखिए यहाँ एंड है और यहाँ पर स्टार्टिंग है, तो यानी अगर आपको मैं एक एग्जांपल दें तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो हमने लास्ट टाइम इसको ए लेट किया था, राइट, इसको ए लेट किया था हमने, पर ये जो हमारा अब नेक्स्ट फॉर्मूला है इसमें हमें ए लेट करना है लास्ट वैल्यू को जो ये हमारी अब 5 है। तो ये ए हमने स्टार्टिंग का लिया था एंड ये हमारा इस फॉर्मूले का ये हो जाएगा, यानी हमारे एंड से लेना है हमें। तो इसी फॉर्मूले से अब हम और बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो हमारा है nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो यहाँ देखिए ये हमारा फॉर्मूला n माइनस
सॉरी एन माइनस वन ब्रैकेट में इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से हमें बोला गया है फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, यानी हमारा इसी फॉर्मूला लगेगा। यहाँ से हमें एट्थ टर्म फाइंड करनी है इस एपी की। वन टू थ्री हमें दिख रहा है पर हमें एट्थ फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? अब वही होगा। तो उस टाइम हमने हमारी फर्स्ट टर्म को ए लेट किया था, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे एल। तो हमारा एल है हमारा 184। तो अब लेट्स हम स्टार्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर कौन सी टर्म हो गई हमारी, ये होगी हमारी एट टर्म, एट। यानी हमें पूछा गया है एट, तो हम यहाँ पे एट ही लिखेंगे। और यहाँ पर हमारा एल होगा 184 माइनस 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 हो जाएगा हमारा ये n माइनस 1, क्योंकि हमारा एट नंबर हमें फाइंड करना है। अब हम बात करते हैं d की। d क्या होता है? हमारा कॉमन डिफरेंस होता है हमारा। तो 7 और 10 के बीच में आपको क्या कॉमन डिफरेंस दिख रहा है? 7 और 10 के बीच में है डिफरेंस हमारा 3 का, 10 और 13 के बीच में भी 3 का ही है। तो अब इन दोनों में 3 का है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा d 3 हो जाएगा। तो इसलिए हम d यहाँ पे 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम राइट डाउन कर देते हैं d इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से अब हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए n 8 इज इक्वल टू 184 माइनस 7 इंटू 3। सो ये आ जाएगा हमारा 84 माइनस 21, ये आ जाएगा हमारा 163। तो ये हमारा एट टर्म है हमारी 163। तो हम और क्वेश्चंस करते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो अब आप लोग सोचिए कि इसके बीच में कौन कौन से नंबर आते होंगे। तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो यहाँ देखिए, पहले आप स्टार्टिंग से देख ले 10 एंड 250 के बीच का, यानी 10 एंड 250 के बीच का जो नंबर आएंगे वो मल्टीपल्स 10 और 250 के, 4 के मल्टीपल्स जो 10 और 250 के बीच में आते हो। तो आप कुछ मल्टीपल्स सोच लीजिए। आपको 10 नहीं लेना है, क्योंकि हमें बोला है 10 एंड 250 के बीच के मल्टीपल्स, तो हमें 10 ना लेके आगे के लेना है। तो 4 के मल्टीपल 4 12 हो जाता है। एंड आप थोड़े बहुत सोच लीजिए, सारे सोचने की ज़रूरत नहीं है। 16 एंड हमारा हो जाएगा यहाँ पे 20, एंड ये बीच का छोड़ के लास्ट का एक और आप ढूंढ लीजिएगा। तो ये देखिए लास्ट का है हमारा 248। तो हमें स्टार्टिंग के मिल गए हैं, ताकि हम अपने डी और ए आराम से फाइंड कर सकें। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा हमारा ए, इसका बीच का डिफरेंस हमारा हो जाएगा डी, तो जो हमारा है 4। इनके बीच का डिफरेंस भी हमारा 4 है, तो यानी हमारा जो डी है वो हो जाएगा हमारा 4। तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं, डी इज़ इक्वल टू 4 एंड ए इज़ इक्वल टू 12। तो हम अपने उस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं जो हमारी थी, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप देखें, आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिया है कि आपको एंड वाला फॉर्मूला लगाना है या स्टार्टिंग वाला, पर मेरे ख्याल से स्टार्टिंग वाला ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है आपको जो फॉर्मूला अच्छा लगे आप उस पर एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। तो अब हमें इस पर पुट करना है इसे वैल्यू को। तो हमें कौन सी मल्टीपल्स फाइंड करने हैं? तो हमारा जो टी एन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 248, क्योंकि ये हमारी एन एट टर्म है। तो हमें यहाँ पे एन एट टर्म पुट करना है, तो जो हमारा टी एन हो जाएगा वो है हमारा 248। तो आप इस टी एन की जगह 248 लिख लीजिए, इज इक्वल टू ए हमारा हमें पता है 12 है। अब आप कहेंगे एन तो नहीं पता हमें, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख लो भाई। और इधर हमारा डी है हमारा 4, तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हमारा 236 इज इक्वल टू
फोर एन माइनस फोर। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 236 माइनस फोर करेंगे तो माइनस तो हमारा यहाँ पे है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 236 प्लस फोर इज इक्वल टू फोर एन। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारा हो जाएगा 240 इज इक्वल टू फोर एन, एंड ये हमारे 240 अपॉन फोर इज इक्वल टू एन। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 60। तो 60 इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पर हमारे 60 मल्टीपल्स आएंगे, 60 मल्टीपल्स आएंगे हमारे इनके 4 के 10 और 250 के बीच में। सो अब मैं लास्ट आपको टेक चीज़ सिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन दूंगी जो आपको खुद करना है। सो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी आज मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हो 3, तो उसमें आपको मतलब आपको थर्ड टर्म अगर फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, उसका बहुत ईजी है। a माइनस डी जो है हमारा a होगा, उसमें से हमें d माइनस कर देना है, हमारा ये 3 यानी थर्ड टर्म हमारी आ जाएगी। हमारा जो a है वो हमारी थर्ड टर्म हो जाएगा, एंड a प्लस डी यानी जो हमारा a प्लस डी हो जाएगा वो हमारा थर्ड टर्म। फोर्थ में भी ऐसा ही है, a माइनस थ्री डी, a माइनस थ्री इंटू डी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस थ्री डी। फाइव में भी ऐसा ही है, a माइनस टू डी, a माइनस डी, a a प्लस डी, a प्लस टू डी, यानी हमारे जो फाइव टर्म्स आएंगी वो उनको ये हैं। तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दूंगी। सो फ्रेंड्स, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 48 इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एग्जिस्ट 4 टाइम्स द थर्ड टाइम द थर्ड टर्म बाई 12 फाइंड द ए पी। तो इसमें आपको दिया गया है, मैं आपको समझा देती हूँ। जो हमारे फर्स्ट थ्री टर्म्स है ए पी के, हमें ए पी नहीं बताया, उसके जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं उनका जो सम है तीनों का वो 48 है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स एग्जिस्ट 4 टाइम द थर्ड टर्म बाय 12। तो अब जो प्रोडक्ट है हमारे फर्स्ट और सेकेंड टर्म का वो 4 टाइम्स थर्ड टर्म के है 12 से, तो हमें ए पी फाइंड करना है। तो ये बहुत ईजी है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपको टर्म्स कैसे फाइंड करनी है, तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं बैक करके। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। बाय।